ये तो वही काला जादू का सामान है। हाँ शिरीन है तो वही, लेकिन हमें तो लग रहा था कि कोई तुम पर काला जादू कर रहा है। अल्लाह ये तो अयान की अलमारी है। मेरे अयान पे कोई काला जादू क्यों करेगा? अरे हसीना कह रही थी ना कि अयान के निकाह के बारे में सुनकर बहुत सारे लोगों के दिल पर सांप लौट रहे होंगे, और वो अयान को निशाना बनाने के लिए। अब मेरी समझ में आया कि आजकल अयान क्यों इतना खोया खोया सा रहता है। कोई तो ताकत है जो उसे उसकी खुशियों से दूर खींच रही है, उसे बर्बाद करना चाह रही है शिरीन। लेकिन ऐसी कोशिश कौन करेगा भाभी? क्या पता शिरीन, लेकिन अल्लाह कसम मैं पता करके रहूंगी। मालिक, क्या हुआ मिस फारूकी? आप पूछ रहे हैं मिस्टर खान क्या हुआ? मेरे लिए आपके ऑफिस में फोन किया था और उन लोगों ने कह दिया कि मैं आपके ऑफिस में काम ही नहीं करती हूँ, और वो मिस डॉली ऐसे बिहेव कर रही थी एज इफ आई एम अ क्रिमिनल। मिस फारूकी मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं मैं आपकी बात? मिस्टर धुरंधर, अल्लाह मियां, उस पे तो सब ऐसे करते हैं। मिस्टर धुरंधर ये कर देंगे, वो कर देंगे, 24 घंटों में इंडिया से निकलवा देंगे, 48 आवर्स में आपको दुनिया से निकलवा देंगे। सोया रिलैक्स, काम डाउन, बताइए मुझे क्या हुआ? उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटों के अंदर अंदर मैं इंडिया से नहीं गई तो मिस्टर धुरंधर मुझे जबरदस्ती प्लेन में बिठा के यहाँ से भिजवा देंगे। सीने में दिल। प्लीज मिस्टर खान मुझे सही मत कीजिए। आप रोकना तो आता नहीं आपको, चुप तो करवाना आता नहीं, सिर्फ गलतियां निकालना आता। मिस्टर खान आप बहुत बुरे हैं। ये पैसे तो मैं तुझे दिखाने के लिए लेकर आई थी। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी रकम अपने हाथों से निकलते हुए देखेगी तो शायद काम में थोड़ी फुर्ती आ जाए। जब जोया का हिंदुस्तान से जाना पक्का हो जाए तब आकर पैसे ले जाना। डॉली बोल रही हूँ। आपने मिस जोया फारूकी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। हमारे बॉस मिस्टर धुरंधर भटावडेकर आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपने ये काम करके एक देशभक्त होने का सबूत दिया है। अरे अरे भी इतनी भी क्या जल्दी है? बाजी फिर से हमारे हाथ में है। अभी वीजा ऑफिस वाले जोया को धक्के मार कर इस मुल्क से बाहर निकालने वाले।
बाबा ये पोटली इनके बेटे के अलमारी से मिली है। तुम्हारे पास कहां से आई? बाबा यही तो हम आपसे पूछने आए हैं। बाबा आपको हमारी मदद करनी होगी, ये बेचारी अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है। आप हमें बताइए कि ये सब कौन कर रहा है? ना। हमें याद आया ये हमने किसे दिया था? आपने दिया था? एक औरत को जिसे इसकी जरूरत थी। इस दरवाजे से जो भी आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। उसने जो मांगा वो हमने उसे दिया। ये काले इल्म की किताब का वो स्याह पन्ना है जिससे पूरे पूरे खानदान बर्बाद हो जाते हैं। बाबा कौन है वो औरत? याद आया, जो औरत मुझसे ये ले गई थी का नाम है इल्शाद खान। इल्शाद खान और एक बार ये तीर कमान से निकल गया तो इसका निशाना कभी गलत नहीं होता। इसे वापस लेना मुमकिन नहीं। अब ये निशाने पर जाकर ही लगेगा। जा, अपने बेटे के लिए दुआ कर। तुम्हारा काम खत्म। अब गायब हो जाओ यहां से। शीरीन कहां चली गई? गाड़ी भी नहीं है। फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो रफीक। अरे मुझे बगैर लिए कहाँ चले गए तुम लोग बेवकूफ। मैडम ने कहा है कि फौरन चलना है। चलना है कहाँ? असद अहमद खाते घर। मैं आपको क्या लगता है आपके जाने से कुछ होगा? बिल्कुल मेरे जाने से कुछ होगा। मैं वीजा ऑफिस जाऊंगी और जाकर उनसे कहूंगी, क्या नाम है, मिस्टर धुरंधर बतावड़ेकर से, और कहूंगी उन्होंने जो भी फैसला लिया है बिल्कुल गलत लिया है। मैं आप समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश तो उन्हें करनी चाहिए जो जोया को हिंदुस्तान से बाहर भेजने पर आमादा है। अरे बड़े मुश्किल से तो उसने ये फैसला लिया था कि वो नहीं जाएगी और अब उसे जाना पड़ेगा। हाउ फेयर इज दैट? अपने मुल्क में रहना कोई जुर्म है क्या? अम्मी, शी इज एन अमेरिकन सिटीजन, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन है तो वो हिंदुस्तानी ना। देखो मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर मैं जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी तो वो जरूर समझ जाएंगे, बस। अम्मी अम्मी आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही। मैं दिलशाद से पूछ कर रहूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। These are the laws. आप इन्हें ओवरराइड नहीं कर सकते। वो कानूनी तौर पर अब इंडिया में नहीं रह सकते। Actually, भाईजान, ऐसे offices में थोड़े पैसे खर्च करने से काम हो जाता है। मेरी फ्रेंड है ना शमा, उसका पासपोर्ट भी अटक गया था। उसके डैड ने 12,000 रुपीज देकर उसे छुड़ा। नजमा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
और वैसे भी मिस्टर बताओ देकर बहुत स्ट्रिक्ट है, उसूल वाले आदमी। लेकिन असद, खाला जैमी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वीजा ऑफिस में एक बार जो फैसला हो जाए उसे बदलना मुमकिन नहीं होता। लेकिन उन्हें अपना फैसला बदलना होगा। अपने देश में रहना, अपने मुल्क में रहना कोई जुर्म है क्या? मैं कुछ नहीं जानती, मैं जोया को नहीं जाने दूंगी, एंड दैट्स फाइनल। अम्मी आप वीजा ऑफिस नहीं जाएंगे। मुझे जाना है। अम्मी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं जोया को भी इस मुल्क से बाहर जाने नहीं दूंगी। और तुम उसे रोकोगे, कुछ भी हो जाए जोया यहां से बाहर नहीं जाएगी। दिलशाद से बात करने आई हूँ भाभी। मैं जानना चाहती हूँ कि वो दिल में इतनी नफरत लेकर क्यों बैठी हैं? जब राशिद जेल में थे मैंने उनसे मदद मांगी थी, वो ऐसी नहीं थी। आपने अभी कहा कि आप नहीं जाएंगे, फिर? असर, मैं कम से कम मार्केट तो जा सकती हूँ। जोया बहुत परेशान है, क्या मैं उसके लिए कुछ ले आऊँ प्लीज? मुझे जानना है कि वो मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है। तो नहीं भाभी, मुझे जवाब चाहिए। अब क्या करें, आपने बात ही नहीं करने दी। तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्यों नहीं समझ रही हो तुम कि दिलशाद ऐसा क्यों करेगी? जलती है वो तुमसे। अरे उसके शौहर ने तुम्हारी वजह से उसको छोड़ा है। आज तुम्हारे बच्चों का निकाह हो रहा है, उसके बच्चों का नहीं। हसीना की बात याद नहीं है तुमको? क्या कहा था उसने कि अपने घर वाले रिश्तेदार यही सबसे ज्यादा चलते हैं। तो जब अपने सगे ऐसा कर सकते हैं तो फिर दिलशाद, ये तो तुम्हारी सौत है। लेकिन मैं दरख्वास्त तो कर सकती हूँ ना कि वह ऐसा ना करे। दरख्वास्त? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कुछ कहोगी और वो मान लेगी? जीरी, देखो अगर तुमने उससे बात की ना तो खुदा जाने वो जादू करनी और क्या कर बैठेगी। शिरीन, दिलशाद को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें ये बात पता चल चुकी है, समझी? तुम्हें तो ये बात राशिद मियां को भी नहीं बतानी चाहिए। कोई और मसला खड़ा हो जाएगा। चलो अभी यहां से, चलो चलो। डायन भी साथ घर छोड़ देती है, पर भी तुम तो अपने ही घर में साजिशें कर रही हो। अच्छा है, शायद भी का ये सच कभी मेरे ही काम आ जाए। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हर लॉ के 100 लॉज और 200 लूपहोल्स होते हैं, मुझे क्यों कोई नहीं मिल रहा? क्या ऐसा कोई बहाना नहीं बन सकता जिससे मैं रुक पाऊं? कहिए। मैं शाहरुख ही हूं, एक्चुअली मैंने कुछ लोगों से बात की है। रहने दीजिए मिस्टर खान, कोई फायदा नहीं है, मैंने सारी रिसर्च कर ली है। अमेरिकन एम्बेसी में मेरा एक सोर्स है जिससे मैंने बात की है। Oh, really? कोई सोर्स है आपका? कौन है आपका सोर्स? प्रेसिडेंट ओबामा? आपको क्या लगता है आप सब कुछ जानती हैं? Of course, इन मामलों में मैं सब कुछ जानती हूँ। आप प्लीज मुझे बात करने दीजिए। अब बात करेंगे? आपसे ये तो कहा नहीं गया कि जोया रुक जाओ, अब क्या बात करेंगे आप? आपसे कोई बात कैसे कर सकता है, आप सुनती कहाँ? तो आप बोलते कहाँ है? 99% जो आपके साथ कॉन्वर्सेशन होती है वो वन साइडेड होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका म्यूट बटन ऑन रहता है। आप ये बात नहीं समझेंगे, जिसे आप इमोशनली चैलेंज होना कहते हैं उसे मेरी डिक्शनरी में लिहाज और तहजीब कहा जाता है। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगी क्योंकि इसको समझने के लिए अकल चाहिए होती। What do you mean, Mr. Khan? आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, मुझे अकल नहीं है?
मैं जोया फारूकी। हाँ मैं जोया फारूकी बोल रही हूँ। ये आपके लिए एक रिमाइंडर कॉल है कि कल इंडिया में आपका आखिरी दिन होगा। आई होप आपने जाने के सारे इंतजाम कर लिए होंगे। मेरे बॉस कल सुबह 11 बजे आकर आपके सारे अरेंजमेंट चेक करेंगे। मिस जोया, आपको कल रात 12 बजे से पहले इंडिया छोड़कर जाना पड़ेगा। देखिए मिस फारूकी, जस्ट ले लो फॉर 2-3 डेज, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जस्ट प्रे कि इन 2-3 दिन में वीजा ऑफिस से कोई ना आए इंक्वायरी करने के लिए। तब तक मैं कुछ अरेंजमेंट्स करता हूँ। ओके ओके। उनसे कहिए कि वो यहाँ आ जाए। भाभी, जरूरी तो नहीं कि वही दिलशाद हो। एक नाम के कितने लोग होते हैं। अब एक दिलशाद तो वो तेल वाली गली में रहती है, एक और दिलशाद घड़ी वाले हैं, एक दिलशाद वो टुंडे खालू के भाई की। कमाल करती हो शिरीन। दिलशाद नाम की कोई और शख्स के पास तुमसे दुश्मनी मनाने की कोई वजह है क्या? भाभी, लेकिन अगर दिलशाद ये सब कर रही हैं, तो ये सारी चीजें हमारे घर में कैसे आई? दिलशाद तो कभी हमारे घर में नहीं आई हैं। अरे हाँ, जरूर कोई है जो दिलशाद की मदद कर रहा है। दिखाऊंगी तुम्हें काला जादू की नानी। क्या अम्मी दिलशाद की मदद कर रही हैं? सारे सबूत, सारे हालात, ला सब तो यही कहते हैं। इसका मतलब दिलशाद और अम्मी मिलकर ये सब कर रहे हैं। या अल्लाह, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। असद, अब तुम ये वीजा का मामला जल्द से जल्द खत्म करो। तुम तो कह रहे थे इस काम में 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन में जोया का वीजा तो एक्सपायर हो जाएगा। अम्मी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर वीजा ऑफिस वालों ने जोया को जाने के लिए कह दिया तो उसका यहाँ रहना इलीगल होगा। पर भाईजान, यू डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि जोया यहाँ है, और आप 1-2 दिन में तो सब कुछ सॉल्व कर ही लेंगे ना। फिर वो मिस्टर दुरिंदर भट्ट, क्या है वो बताओ देकर। हाँ वही, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 11 बजने ही वाले हैं। 11 बजते ही मिस्टर धुरंधर यहाँ पहुंच जाएंगे और जोया को सीधे यूएस का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन उसके लिए मिस फारूकी को खामोश रहना पड़ेगा, और उनकी खामोशी दूसरों के चिल्लाने से भी ज्यादा लाउड है। पिज़्ज़ा आ गया। नजमा, प्लीज देखना। हाँ, मैंने आपसे कहा था घर पे कोई डिलीवरीज नहीं होंगी। Come on, Mr. Khan, what's wrong with you? एक पिज़्ज़ा आया है, कोई जासूस नहीं आ गया है। इधर उधर क्या देख रही हो? नीचे देखो, नीचे। मिस जोया फारूकी से कहिए कि मिस्टर धुरंधर भटावडे कर आए। मिस
भटाव डेकर। धुरंधर भटाव डेकर।